जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में CDP यानी बाल विकास के प्रीवियस क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 21 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस सीरीज से आप इन सीरीज को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको गारंटी साथ करता हूँ 21 तारीख को आपको जबरदस्त पेपर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं। ओके, दूध के दांत बोल रहा है कि 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये सही बात है कि 5 से 6 महीने तक में 5 से 6 ईयर तक के बच्चों के दूध के दांत उनके टूट जाते हैं और फिर न्यू दांत आते हैं। हालांकि बुद्धि ये रीजन दिया गया है कि हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है। हाँ वो तो यूनिवर्सल है, ये तो होता ही है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफी परास होता है, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 7 साल में भी ये टूटने तक टूटते हैं, तो ऐसा ये बोला गया है। तो रीजन इसका बहुत अच्छा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। रीजन असर्शन का 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है पार्ट 2 में। आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि किस सिद्धांत ने प्रतिपादित किया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। देखिए डायरेक्शन समान होने पर, विकास की दिशा समान होने पर भी बच्चों का जो विकास होता है वो अपने मोशन से ही होता है, अपने गति से होता है। तो ये होता है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। बच्चों शीर्षगामी सिर से पैर की ओर होता है, इस कारण से ये नहीं होगा। समीप दूरस्थ विकास का सिद्धांत ये भी नहीं है, एक रूपता का सिद्धांत ये भी नहीं है, व्यक्तिगत विकास का यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिद्धांत है, यानी अपनी विकास गति को से होता है, ये पर्सनालिटी विकास है, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत है भाई बच्चों। ठीक है, तो बात समझ में, व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा है। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिकरण की द्वितीय संस्था नहीं है। देखिए प्राइमरी जो है, प्राइमरी हमारा परिवार है, फैमिली है और सेकेंडरी में स्कूल है। तो ये दोनों में देखिए कौन द्वितीय संस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है, परिवार भी है, द्वितीय का उसमें प्राइमरी और हाँ परिवार मीडिया स्कूल सब अच्छी। तो जो इसमें द्वितीय संस्था नहीं है, क्वेश्चन बोला द्वितीय संस्था नहीं है, स्कूल है, मीडिया भी है, समकक्षी भी है। ये मीडिया स्कूल समकक्षी ये तीनों जो है ये सेकेंडरी संस्था है, और जो परिवार है ये परिवार फैमिली प्राइमरी का है। इस कारण से सेकंड फर्स्ट इज राइट आंसर होगा, यानी इसके कारण से नहीं, के कारण से परिवार हमारा नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा पूछा है कि किस चरण में, कौन सा स्टेज बताना है कि बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञाप्ति उसके डुप्लीकेट यानी अन्य वस्तुओं की चिंतन कर पाते हैं, अन्य ऑब्जेक्ट की चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। ये कौन सा स्टेज होता है, ये कौन सा स्टेज होता है देखते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो होता है फॉर्मल स्टेज देखिए कहाँ है, ये फॉर्मल ऑपरेशन ना कि कंक्रीट ऑपरेशन, ना तो प्री और ना तो सेंसरी, यानी अमूर्त चिंतन वाला बच्चा क्या कर पाता है कि ये फॉर्मली स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से वो समझ पाता है। आता क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें पियाजी के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है, स्टेज को बताना है, कौन से स्टेज का सिक्वेंस कौन सा है जीन पियाजी का। ये स्टेज बार बार पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आपसे मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है कि
पियाजे के जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास, देखिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, की अवस्थाओं से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस, रिवर्सिबल, मेंटल ऑपरेशन, हाइपोथेसिस थिंकिंग, सिंबॉलिक है। ये देखिए चिंतन प्रतीकात्मक और सहज विकार ये नहीं है। संवेदी अनुभव ये तो है, सेंसरी एक्सपीरियंस, ये भी है। सिंबॉलिक एंड इलस्ट्रेटिव थॉट्स ये भी सही है। रिवर्सिबल मेंटल ये भी सही है और हाइपोथेटिकल ये भी सही है। देखिए इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है SSTRH, इस प्रकार से याद करके रखिएगा, यानी यस से मतलब सेंसरी एक्सपीरियंस, यस से मतलब होता सिंबॉलिक एंड इनिशिएटिव थॉट्स, और आर से मतलब होता है रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन, और यस से मतलब होता है, यस से मतलब होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो इस प्रकार से संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विकास, परिवर्तनीय मानसिक सक्रियाएं और परिकल्पनात्मक चिंतन, ये होता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं है। बच्चों आते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को द्वितीयक स्तर के अनुबंध करने चाहिए, को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं को सक्रिय अन्वेषण के मौके देना चाहिए। देखिए उसको क्या करना है कि उसको सक्रिय अन्वेषण यानी अपॉर्चुनिटी देना है जिससे वो क्या कर सके, अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। ओके, तो इस प्रकार से फिफ्थ का आंसर ऑप्शन होगा थर्ड नंबर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के बारे में संज्ञानात्मक विकास में बताया है। देखिये कोल वर्ग आ गया, ये जो कोल वर्ग ने दिया था नैतिक यानी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन व अवज्ञा अच्छे उन्हें या बुरे परिणामों से निर्धारित करते हैं, यानी गुड एंड बैड, की अगर कंडीशन आती है ना, तो इसके लिए आप बिल्कुल आंख बंद करके बताइएगा कि अगर गुड और बैड आ रहा है तो इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। बिल्कुल आंख बंद करके बताइएगा कि ये प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। बच्चों क्या होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होगा माय डियर बच्चों, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर होता है कि वो अच्छे और बुरे परिणामों को निर्धारित कर पाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे अपने साथियों खालिस्तान के साथ सामाजिक क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन बनाते हैं। इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, बाइगोस्की के अकॉर्डिंग सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात, सामाजिक और सोशल, ओके सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 तो है, फिर आ गया लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पार के क्या माने, पार स्कैफोल्डिंग के माने क्या है? तो इसके स्कैफोल्डिंग के माने को बताना है कि क्या है इसका। ओके बच्चों का कार्य जटिलता या जटिल को कम करने उन्हें उद्देश्य पर सरल बनाता नहीं, वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, ये होता है इसका पाड़ वाला, यानी उसको किस प्रकार का अमाउंट एंड नेचर ऑफ असिस्टेंट, ये वाला आंसर होगा हमारा, अडल्ट वेरी द अमाउंट एंड नेचर ऑफ असिस्टेंट, वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, ये होता है पाड़ का मतलब। ओके एक प्रगतिशील शिक्षक की बात कर रहा है, सीखने और सिखाने मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में लेनी चाहिए, नहीं बच्चों का सम्मान किया जाता है, शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता के विश्वास होता है, ये भी कुछ सही है। ये इस प्रकार से क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षक के गुण होते हैं। एक रूपी मानकीकृत तो पाठ्यक्रम का पालन नहीं होता, इसमें शिक्षा शास्त्र लचीला नहीं होता है, इस प्रकार से ये हो गया। अब कौन से अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजाति और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है, तो देखिए ऐसे कौन से मेंटल बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको दूसरे जानवरों से प्यार होता है, नेचुरल से प्यार होता है, ऐसे कौन से बुद्धि वाले होते हैं। ओके तो बताना है आपको कि कौन से बुद्धि वाले ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे कौन सी पर्सनालिटी है। तो ऐसे लोग जो हमारे नेचर से प्यार करते हैं, ये क्या करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, तो नेचर वाला क्या है,
प्राकृतिक बुद्धि, ये होता प्राकृतिक बुद्धि, यही होगा फर्स्ट इज राइट आंसर। अब यह वाक स्त्रियों पुरुषों व जेंडर को भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पास आपको रूढ़िवाद जेंडर वंशानुगत कंडीशन बता दे, वही आपको आपका आंसर होगा। यानी आप ये समझिए कि कहाँ पास सामाजिक स्ट्रक्चर बन रहा है जेंडर का, जेंडर का सोशल स्ट्रक्चर कहाँ, कंस्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, ये देखना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि यह वाक्य पुरुषों और दूसरे जेंडरों की भूमिका समाज करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या करता है। यानी इसको तो समाज ही तय करता है, तो समाज ही बनाएगा। तो देखिए जेंडर एक अनुवांशिक संरचना नहीं, जेंडर एक भौतिक संरचना नहीं, जेंडर एक सामाजिक संरचना, ये होता है इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। ओके माय डियर बच्चों, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ये होता है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि वो समाज से सीखता है। असर्शन और रीजन आ गया। असर्शन बोल रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीके के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने का पर बल देना चाहिए। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा, दिखेगा ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि हमें क्या करना, उसमें बल देना है, फोर्स करना है। नहीं, फोर्स नहीं करना, स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है। ये क्योंकि दोनों डिफॉल्टर को ऑप्शन थे, इस कारण से फोर्थ इज राइट आंसर। मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आप बताइए कि मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्या रीजन है मूल्यांकन न किए जाने के, मूल्यांकन न किए जाने के क्या रीजन है। क्योंकि बच्चों की, देखिए नहीं पूछा बताना आपको, बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाता है, ये तो सही है। सीखने सिखाने प्रक्रिया सुधार होता है, ये भी सही है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, ये मूल्यांकन इसके लिए नहीं होता है, यह समझने में मदद करने के लिए बच्ची क्या कर सकती है क्या नहीं, तो ये सही है। इस कारण से थर्ड हमारा आंसर सही गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। छात्रों को उनके सीखने और सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें अपने स्वयं की अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए, सॉरी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बोला गया। छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को अब क्या करना चाहिए, है ना, तो ये बताना है इनको। तो बच्चों को एक्चुअली है क्या, योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन को प्रयोग करना चाहिए, ये बोला गया है। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करना चाहिए, जो FA वगैरह होता है ना, FA और एक होता है SA, दो प्रकार के एग्जाम उसमें टेस्ट होते हैं। तो रचनात्मक प्रदान करने के लिए, स्वयं के अध्यापन का मनन करने के लिए शिक्षकों को FA फॉर्मेटिव असेसमेंट कराना चाहिए, रचनात्मक क्लास लेनी चाहिए। अब आते हैं समावेशी स्कूल की स्थापना में खालिस्तान शामिल है, कौन सा, बोला गया कि इनक्लूसिव स्कूल सेटअप करने के लिए, ये बताना है आपको। तो समावेशी स्कूल की स्थापना यानी करेक्ट साइड एज द इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, सॉरी इंक्लूसिव स्कूल एट सेट अप, तो बहिष्करण पर सवाल उठाना। समावेशी स्कूल की स्थापना में खालिस्तान है बहिष्करण, यानी क्वेश्चनिंग एक्सक्लूजन, नामीकरण ये नहीं है, पृथककरण भी नहीं है, दोषारोपण नहीं है, यानी बहिष्करण यानी क्वेश्चनिंग एक्सक्लूजन ये होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये बताया गया है। वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण क्यों है, ये बताना है अपने को। तो इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और उन्हें प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए, नहीं, प्रत्येक बच्चे को शिक्षक अधिकार, ये सही है, और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, जो चाहे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो, ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से सेकंड इज राइट आंसर। अब आ गया फिर से, एक बच्चे के कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई होती है, नमन और मनन, कलम और कमल, इस प्रकार से कलम को कमल कहता है, यह किसका विशिष्ट अवलक्षण हो सकता है। देखिए हिंदी में लिखा है ये
ऐसे क्वेश्चन है, वास और शॉ, वेटल एंड बोटल, ये डिफिकल्टी किसका है, क्या कर सक कहेगा है? तो इसको बताना हमें कि ये उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्या करने में, उसको स्टडी करने में दिक्कत हो रही है, यानी डेसलेस किया होगा, कहाँ डेसलेस किया होगा, डेसलेक्सिया ये होगा, चौथा इज राइट आंसर, पठन वैकल्प वैकल उसको प्रॉब्लम आ रही है। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्री, निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है, देखिए कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रावधान एक विद्यार्थी जिसमें कम सुनाई देता है कि जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है, तो बताना है। तो देखिए इसके कारण से क्या होता है बच्चों, हमारे पास कई ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को हमें ढूंढ करके बताना है कौन से है। तो देखिए शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि जरूरतों किस प्रकार से हम सही, शिक्षक शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना चाहिए, ये सही है। शिक्षा शास्त्री प्रावधान ये है कि बच्चे को अपने पास बैठाना चाहिए, परमिशन देना चाहिए, परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना चाहिए, ये भी सही है, व्याख्यान प्रणाली को उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। सॉरी इसमें बताया गया कम सुनाई देना, तो उसको सुनाई दे रहा था व्याख्यान का, करेगा क्या, बहिरा है, जब बहरे आदमी को व्याख्यान व्याख्यान कोई मतलब नहीं। विज्ञप्ति पत्र देखा जिसे अलौकिक अलेखी और आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो, ये सही है, यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इज राइट आंसर। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हुआ। ओके आते हैं 20 वाले क्वेश्चन का, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में रचनात्मक, यानी आपको बता रहा हूं कि क्रिएटिव क्या कर रही है, फोस्टर यानी फोस्टर क्रिएटिव इन हर स्टूडेंट, आप रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है, तो बताना है आपको किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है। इनकरेजिंग मल्टीपल आइडियाज एंड इनक्लूसिव, यही भी कुछ सही है, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट इज राइट आंसर। मिलते हैं, टीचर शुड एनकरेज, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए रदर देन, बजाय के क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्रोत्साहित करता है बजाय बाहरी प्रेरणा के, यानी फर्स्ट चीज राइट आंसर होगा, आंतरिक प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है बल्कि बजाय बाहरी प्रेरणा के, इस प्रकार से फर्स्ट चीज राइट आंसर। बिल्कुल खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इनको आप देखो बहुत जल्दी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, बाधा डालती है, देखिए उसको बर्डन बोझ, अगर उसके दिमाग खराब हो रहा है, अगर बर्डन बोरिंग हो रही है, बर्डन बॉर्डन हो रहा है, तो वो उसको नहीं सीख पाएगा, इस कारण से बर्डन हमारा ये गलत आंसर, ये वाला सही आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि उसको ऊब आती है और उसे सीखने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है, आनंद खुशी और गर्व ये तो बिल्कुल इससे सीख सकता बच्चा, इस कारण से ये ऊब जो है ये अलग आंसर है। ओके इसको तो आप बिल्कुल एक बार पढ़ो भड़ाक से मारो आंसर, ठीक है। आते हैं 23rd क्वेश्चन में, विद्यार्थी को अधिगम सहायता को दर्शाता है असहायता, यानी एग्जिबिट लर्नर्स हेल्पलेस हेल्पनेस हेल्पलेसनेस को दर्शाता है, ये बताना है, अधिगम असहाय को बताता है, तो किसके लिए, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसके प्रयास बेहतर किए, ये तो सही है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी, देखिए इसके लिए क्या होता है ना कि असहायता की बात करता है ना, तो असहायता में वो क्या होता है कि स्थिर, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी होती है, तो ये सही आंसर होगा इसका, क्योंकि हम इसको स्थिर असहायता का मेन कारण है कि उसका ज्ञान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, लर्निंग स्थिर हो जाती है, इस कारण से होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बताना है आपको। तो कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, तो
ये देखिए ऑप्शन वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर, यह किस पर निर्भर करता है कि वस्तुओं और अवलोकन अवलोकन करे अंतःक्रिया करे तो वो सीख पाने में लागू करेगा। शिक्षक याद नहीं करना गलत है, सीखने में सुनिश्चित करे कि सजा दी जाए गलत, ये भी कार्य पूरा करने के लिए बहुत ये पुरस्कार भी नहीं देना है, इस कारण से फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। अपनी सोच के बारे में सोच पाना खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है बताना है आपको। तो और एक कौशल है, ये हायर ऑर्डर है, ये हाई ऑर्डर है ठीक है ना, ये बताना है कि अपनी सोच के बारे में सोच पाना, इसको मेटा मेटा कॉग्निशन कॉग्निशन बोलते हैं, और हाई ऑर्डर, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो देखते हैं चौथा ऑप्शन हमारा सही है, अभिसंज्ञान और उच्च स्तरीय, अपनी सोच के बारे में सोचने यानी अभिसंज्ञान कहलाता है और कौशल जो होता है उच्च स्तरीय होता है। ऐसे कारण एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा को कैसे सुसाधित कर सकती है, ये बात ये बताना। बच्चों को बारंबार बेधन गलत, अरुचि भी गलत है, यहाँ निगेटिव वर्ड है जो गलत हो जाएगा, सीखने सिखाने प्रक्रिया को दिलचस्प और संवादात्मक बनाए, इस कारण से मेकिंग अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इंट्रक्शन एंड इंटरेक्टिव, इस प्रकार से आंसर थर्ड इज राइट आंसर। कथन दिया गया है, रीजन दिया गया है, माध्यमिक स्कूल की कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका को प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण और विद्यार्थी के गलत उत्तरों को सही करना है, ये बताना है। देखिए कई हमारे कथनों और तर्क वाले क्वेश्चन आए हैं, इनको बहुत जरूरी है कि आप देखो डीपली पढ़ाई करें। तो माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण और विद्यार्थियों के गलत नए गलत उत्तरों को सही करना नहीं है, यानी हमें उसको क्या करना है, यानी उसको बहुत अच्छे से सिखाना कि वो उत्तर ही गलत ना करें। ओके तो ये वाला गलत होगा। सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया होती है जो बेधन व बारंबार अभ्यास करने गलत होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। बिल्कुल सोच समझ के काम करना है। आते हैं 28 का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एज हेल्प एंड फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब कि बताना है कि कौन सी फैसिलिटी कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करती है, नहीं करती है, ये बताना है। तो माय डियर बच्चों, इसमें क्या होता है कि समकक्षी को समझाना रणनीतिपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करता, ये बताना है। ओके तो हम देखेंगे कि कौन सा नहीं है, समकक्षी को पहचान समझाना, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, मानसिक चित्र व प्रयास संचित्र बनाना, उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, खुद से सवाल करना। देखिए तो ये जो है अधिगम पूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी, ये चारों पांचों आंसर हमारे सही होंगे, पांचों ऑप्शन हमारे सही हैं, इस प्रकार से फोर्थ इज राइट आंसर हुआ। ओके अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं अगला क्वेश्चन में कि जो नेहा है, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए, नेहा किस लक्ष्य पर निर्धारित करती है। देखिए परफॉर्मेंस गोल है, ये परफॉर्मेंस गोल है, परफॉर्मेंस गोल है वो जो अचीव करना चाहती है। ओके तो ये प्रदर्शन लक्ष्य है, इस प्रकार से कंपटीशन वाले क्वेश्चन को प्रदर्शन लक्ष्य ऑप्शन लगाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा, किससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए किससे किससे, दोनों द्वारा अंक प्राप्त करने से, देखिए सॉरी पहला स्थिति कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से, इससे तो प्रभावित होता है, इससे तो प्रभावित होता है, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु इससे भी प्रभावित होता, सीखना सहकर्मी समूह के साथ संतक, ये भी सही होता है, दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से, ये गलत है, चौथा
ये क्या है, सीखने के प्रभावित कारक नहीं है। इस कारण से दोस्तों सीटेट के हमने बाल विकास के 20-30 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा। इस प्रकार से मेरी सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है, आप लोग पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो थैंक यू, जय हिंद।